हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे फूलों के शहर कन्नौज में। और देखना, दोनों बच्चे मेरे शैतानी करने में लगे हुए हैं। आज काम भी इतना सारा हो रहा है, पता अपनी छोटी कर रही है, बेड शीट नहीं बिछा पाई, काम इतना हो जाता। और मेरी बाल है ना, एकदम पूंछ जैसे हो गए हैं, बहुत पतले, इतने झड़ते हैं बाल। और उसके बाद में फिर मैं किचन में आ गई, मैं चोटी कर लेती हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। और उसके बाद में मेरी चोटी कभी सीधी नहीं रहती, ये देखो टेढ़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों। मैं कुछ सोच के, काफ़ी सोच समझ के चोटी करती हूँ, फिर भी मेरी टेढ़ी रहती है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी छोंक दी है, मैंने सिंपल सी छोंकी है, प्याज व्याज डाल के, ज़्यादा भरमा वाली नहीं बनाई है अभी। और उसके बाद मैं इधर भी मैं सब्ज़ी छोंक दे रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी छोंक दी है। और यहाँ पे मैं दही वाले आलू बनाऊँगी, दही मैंने छान लिया है, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता बगैर छाने। और बस यहाँ पे मैंने पिसी हुई मेथी जो थी वो डाल दी है 1 चम्मच, क्योंकि खड़ी मेथी मेरे बच्चे खाते नहीं हैं और मुझे मेथी वाले आलू पसंद है, तो मेथी बच्चे किसी सब्ज़ी में नहीं खाते। और यहाँ पे भिंडी वाली सब्ज़ी में चला दे रही हूँ, भिंडी वाली सब्ज़ी में पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ। और आलू भी अच्छे से खोल चुके हैं, नमक वगैरह डाल दिया, ढक दिए, अभी अपने आप खोलते रहेंगे धीरे धीरे। और आटा गूंद के रख दिया, चावल बना लिए, यही सब काम में लगी हुई हूँ, तो कल मेरे घर कोई आने वाला है। और यहाँ पे मैंने किचन की सफाई भी कर दी है, तब तक झाड़ू वगैरह लगा दी है, स्लिप वगैरह साफ कर दी है। मुझे पता नहीं कि जुखाम जैसा हो गया है, एकदम गला वैसा हो गया। और फिर मैं किचन वगैरह साफ करने के बाद में यहाँ पे रोटियाँ सेक दे रही हूँ। सारा दिन बच्चों में लगे लगे हो जाता है मेरा तो। और आज है संडे, मेरा वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं बच्चों को तैयार कर दे रही हूँ, और मेरा काम भी चल रहा है साफ़ सफाई वाला। और यहाँ पे मैंने अपनी को दिया टॉवल, दोनों तय लगा के रखो, और भी जो कपड़े इधर उधर फैले पड़े थे वो भी तय लगा के रखो। अपनी अब बड़ी हो चुकी हैं तो इतना कर लेती हैं। और मैं पोछा लगाने में लगी हुई हूँ, और दीदी अपना सब्जी की तैयारी कर रही हैं, आलू बन, क्योंकि कोई आने वाला है इसलिए जल्दी जल्दी तैयारी करने में लगे हुए हैं। पूरे घर में पोछा लगाते ही लगाते मेरी हालत ख़राब हो गई है, और ये कपड़े भी मुझे डालने हैं। कितने भी घर में साफ सफाई करो ना, मिट्टी 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 हो ही जाती है, परेशान हो जाती हूँ मिट्टी से। और ये देखो तैयार होके घूम रहे हैं और मैं काम में लगी हूँ हो जाता है। और फिर मैं नहा चुकी हूँ, उसके बाद मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई, ये देखो बच्चे सारे खेलने में लगे हुए हैं, कूद कूद के पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे हैं। और मेरी हालत ना ख़राब हो जाती है जब कोई घर में आता है। और यहाँ पे चाय बन चुकी है, नमकीन ले ली हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी, और बस चाय पीने में लगे। बच्चे आके नमकीन ले जाते हैं बार बार, अपना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, सब लोग चाय पीने में लगे हुए हैं, और मैं भी चाय पी रही हूँ। बाल मेरे खुले, पता नहीं बालों से उलझन हो जाती है मेरे। और मैं अपने को डांट रही थी, दोनों मतलब डर लगता है, इतने बुरी तरीके से खेलते हैं शैतानी करने में, आगे रहती है मेरी औलाद। और ये मट्ठे का पैकेट है, और मटर दूध का एक पैकेट मंगाया मैंने, और मटर भिगो के रख दिए मैंने, मट्ठा खोल लिया एक पैकेट, रायता बनाऊंगी, बूंदी एक पैकेट बूंदी मंगाई है, मैंने बनाई नहीं है घर पे बूंदी, तो बस क्योंकि अभी टाइम है तो मैंने बूंदी डायरेक्ट ही मट्ठे में डाल दी है। वैसे अगर जल्दी हो थोड़ा सा पानी गर्म करो, और पानी गर्म करने के बाद में उसमें डाल दो, जल्दी एकदम से रायता फटाफट तैयार हो जाता है। और मैं यहाँ पे पनीर काट रही हूँ, दीदी ने तब तक दम आलू की सब्ज़ी बना दी है, मैंने थोड़ा सा पनीर फ्राई कर लिया है,
और प्याज वगैरह मैंने डाल दिया है, प्याज भुन रहा है। और यहाँ पे पनीर मसाला, और गरम मसाला नहीं पनीर में डालते हैं तो गरम मसाला नहीं डाला है, पनीर मसाला, सब्जी मसाला, मटर को देख रही हूँ थोड़ी सी, मटर इधर उधर कोई दाना ख़राब होता है तो उसे अच्छे से धुल के मैंने, और उसके बाद में पनीर में ज़्यादा मिर्च नहीं डालते, बस एक हरी मिर्च डालूंगी। ज़रा सी बूंदें पड़ गई हैं, ज़रा सी। और ये देखो मेरा बेटा छाता लेके घूम रहा है और बाहर जा रहा है, ये गुस्सा कर रहा है, मान नहीं रहा है। तो फिर पनीर मसाला मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने 2 पैकेट मंगा लिए हैं। और मैंने मसाला खोल के रख दिया था, वो डाल दिया है, प्याज अच्छे से भुन गया है। उसके बाद मैं डाल दे रही हूँ मटर। और नाश्ते वगैरह सब कुछ मैंने लगा के रखा है, ये देखिए ग्रेवी, इसमें डाल दिए थोड़े से मखाने और इसे करूँगी अच्छे से मिक्स। ज़्यादा मसाला वरना नहीं अच्छा लगता है पनीर में, बहुत मसाला ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाए ना तो बड़ा अजीब लगता है। और ये दूध खौला हुआ रखा था वो मैंने डाल दिया है, और जो पैकेट मंगाया था वो मैं गर्म करूँगी। मेरे घर में दूध वाला पनीर सबको पसंद है, मलाई वगैरह है नहीं, मावा है नहीं, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ जल्दबाजी में। कहते हैं ना जो चीज़ घर में हो उसी से बना लेते हैं, तो बस मैं इसे चला दे रही हूँ, इसमें खौल आ जाए क्योंकि दूध पड़ा है, फट ना जाए इस वजह से। चावल बन चुके हैं मेरे, सारी चीज़ें एक साथ में तैयारी करती जा रही हूँ। और ये खौल जाए मैं तो देख रही थी, नमक ख़त्म हो गया, नमक का पैकेट इसमें खौल गया है तो नमक डाल दे रही हूँ। और इनको लग रही है भूख तो ये आए दोबारा से नमकीन लेने, भूख का तो टाइम भी हो गया क्योंकि नाश्ता मैंने बनाया नहीं था। और यहाँ पे मैंने 2 खीरे लिए, 2 टमाटर, 2 प्याज, और वो लोग आ चुके हैं तो मैंने मिठाई के साथ पानी दे दिया है मतलब पीने के लिए। और यहाँ पे फिर चाय भी बना रही हूँ, नाश्ता दान लगा दिया है मैंने, 2 तरीके के बिस्किट, 2 तरीके के नमकीन, और नाश्ता लगाने के बाद में क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी क्योंकि मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने के लिए, तभी तक वो लोग आ गए थे तो मैंने वहीं पे बंद कर दिया। ओफो मेरी चाय भी निकल गई। और यहाँ पे मैं चावल मिला के दे दे रही हूँ सब्जी चावल, अपनी को देव को भूख लग रही है तो मैं चाय देने के लिए जा रही हूँ। और नाश्ता भी ऐसे रख दूँगी जाके, फिर आटा गूँध रही हूँ। और यहाँ पे ये मिठाई खा लीजिएगा, उसके बाद मैं रायता में छौंक लगा दे रही हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। पनीर खोल चुका है तो मैंने उसमें पनीर भी मतलब ग्रेवी खोल चुकी है तो पनीर डाल दिया है मैंने। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में दिखाएंगे।